सावन के पहले सोमवार और बाबा महाकाल की प्रथम सवारी पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सावन का महीना और सोमवार का दिन बाबा महाकाल अपने धाम से नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। मां शिप्रा के किनारे से लेकर धूमधाम से पूरे नगर में जब सवारी निकलती है तो उस सवारी का उत्साह और उमंग देखने लायक होता है। देश और दुनिया से लोग इस सवारी का दर्शन करने के लिए और अपनी मनोकामना लेकर नगर में आते हैं और भी लोग जो जहां होते हैं वो वहां से इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के जरिए बाबा को नमन करते हैं। इसी के साथ आगे कहा कि भक्ति भावना का ये उत्सव और उमंग का एक सागर उमड़ता है। सीएम ने प्रदेश वासियों को सवारी का उत्साह उमंग देखने लायक होता है ये कहा जब सावन का पहला दिन था। व्यवस्था के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम क्योंकि बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए दूर दराज से लोग इस दिन पहुंचे थे। सीएम ने प्रदेश वासियों को सावन की शुरुआत होने पर बधाई भी दी और आपको बता दें कि उनके सुख समृद्धि की कामना यहाँ पूजा अर्चना करते हुए की। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने कहा कि सवारी का उत्साह उमंग देखने लायक होता है। व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से जानकारी दी गई। भारी संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। सावन के महीने का पहला दिन जब था उस दिन यह नजारा देखने को मिला है। जय श्री महाकाल। सावन का महीना और सोमवार का दिन बाबा महाकाल अपने धाम से नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। मां क्षिप्रा के किनारे से लेकर के धूमधाम से पूरे नगर में जब सवारी निकलती है तो वो सवारी का उत्साह उमंग देखते बनता। देश तो क्या दुनिया से लोग इस सवारी का दर्शन करने के लिए अपनी मन की मनोकामना लिए नगर में भी आते हैं। जो जहां से हो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के माध्यम से बाबा को नमन करते हैं। भक्ति भावना का ये उत्साह उमंग का एक सागर उमड़ता है। ऐसे में बाबा महाकाल की प्रथम सवारी पे मैं आप सबको बाबा की ओर से खासकर हमने प्रबंध किए हैं कि बाबा की सवारी की जो व्यवस्था की जाए उसमें और चार चांद लगे आनंद आए और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि